खबर है करनाल की, जहां जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह द्वारा आज यहां लघु सचिवालय में मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की गई, जिसमें उन्होंने करनाल में होने वाले विकास कार्यों के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि करनाल जिले से संबंधित कई योजनाओं तथा जनता से जुड़ी सुविधाओं को लेकर बीते कुछ दिनों में हुई कारगुजारी की भी विस्तार से पत्रकारों को जानकारी दी, जिसमें बताया कि हथिनाकुंड बैराज से आज यमुना में लगभग 8,28,000 क्यूसिक रिकॉर्ड पानी आ गया था। जिला प्रशासन ने सिंचाई और दूसरे विभागों की मदद से यमुना के साथ लगते गांवों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई, जिससे बाढ़ के पानी का प्रभाव कम रहा। उन्होंने बताया कि वैसे तो जिला के 22 गांव यमुना के साथ बसे हुए हैं, लेकिन चंद्राव, डबकोली, सैया छपरा, जप्ती छपरा व नबियाबाद जैसे 9 गांव ऐसे हैं जो बांध व यमुना के बीच में स्थित थे। चंद्राव व छपरा में एक दिन के लिए कुछ पानी आया था। इस प्रकार धनोरा में भी कुछ पानी आ जाने से दो सड़कें प्रभावित हुई हैं। रंदोली से नगला जाने वाली सड़क भी पानी से एक दिन प्रभावित रही। इससे करीब 10 से 12 घरों की संपत्ति को नुकसान हुआ है, जिसके भरपाई के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई है। जो फसलें बाढ़ के पानी से प्रभावित हुई उनके खराब होने की रिपोर्ट भी सरकार को भेजी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार के नेशनल हाईवे 152 बी से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो इस्माइलाबाद से नारनौल तक है। करनाल जिला के 9 गांव जो असन क्षेत्र के हैं, उनकी भूमि हाईवे के लिए अधिग्रहण की गई थी और इसके लिए 234 करोड़ का मुआवजा तय हुआ था। किसानों की मांग पर इसे बंटवाया जा रहा है। अब तक 50 करोड़ भी बांटा जा चुका है। उन्होंने बताया कि मुआवजा प्राप्त करने के लिए किसानों को करनाल आने की जरूरत नहीं है, वे असन तहसील में जाकर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। जनता से जुड़ी एक और सहूलियत का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन स्कीम में पात्र व्यक्तियों को अपनी आयु की पात्रता प्रमाणित करने के लिए मेडिकल बोर्ड में जाना होता है, जिससे उन्हें कई बार असुविधाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अब अगस्त से इस तरह की सुविधा सभी सब डिवीजन यानी असंध, घरोंडा व इंद्री में कर दी गई है। इसके लिए निर्धारित दिनों में बैठने वाले मेडिकल बोर्ड उपमंडल स्तर पर ही आयु का प्रमाण पत्र देगा। प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार और ठीक से इस्तेमाल करने के मकसद से राज्य सरकार ने फसलों की गिरदावरी मैनुअल ना करवाकर टैबलेट के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया था, जो एक ऐप के माध्यम से की जाती है। अब उसका पिछले कई समय से टेंडर की प्रक्रिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बार बार विभिन्न संस्थाओं के द्वारा एसोसिएशन के द्वारा उठाया गया था। इसकी टेंडर की प्रक्रिया कल पूर्ण हुई है और इसका वर्क ऑर्डर संभवतः अगस्त के महीने तक ही दे दिया जाएगा और ये पूर्ण रूप से हमने इसको अलॉट कर दिया है। इसका कार्य हम आचार संहिता लगने से पहले ही प्रारंभ कराएंगे और अब इस मिल का कैपेसिटी 2200 टन पर डे से बढ़कर 3500 टन पर डे हो जाएगी, जिससे मुझे आशा है कि यहाँ के जो गन्ना किसान हैं उनको अपना गन्ना किसी और जिले की मिल या प्राइवेट किसी और मिल में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ये बड़ी डेवलपमेंट थी जिले की, जो काफी समय से मांग चलती आ रही थी, उसको भी अब पूर्ण कर दिया गया है। इसके मिल का कोई बात नहीं, मिल का निर्माण का जो समय रखा गया है 12 महीने रखा गया, जिसमें उनको 12 महीने जिस दिन से उनको अप्रूवल मिल जाती है डिजाइन की, तो मान के चले जैसा टाइमलाइंस रहती है 3 से 4 महीने में उनके सारे अप्रूवल्स मिल जाते हैं यहाँ तरह के और उससे उनको एग्जीक्यूशन का 12 महीने बता दिया। इसका जी बजट अभी वर्कआउट हो रहा है, बट मैं आपको टेंटेटिव बता देता हूँ कि इसका फाइनल कितने का लगभग बैठेगा। लगभग ये 260 करोड़ के आसपास का बजट बैठेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।